बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हियर इज योर टीचर सबा अख्तर, मास्टर ट्रेनर एंड अ लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस लेक्चर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर नंबर 16 सपोर्ट एंड लोकोमोशन इज कंटिन्यूड, एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज बोन फ्रैक्चर एंड बोन रिपेयर। In our previous lecture, we have studied about the disorder of skeleton. ठीक है, different disorders के बारे में पढ़ा था skeleton के। Before starting our topic, what are the objectives of today? At the end of the lecture, you will be able to learn about bone fracture, describe common types of bone fractures, and explain steps involved in bone repair. So let's begin our topic, bone fractures. A fracture is the medical term फॉर अ ब्रोकन बोन। देखिए, फ्रैक्चर जो है एक मेडिकल टर्म है, जो हम कहते हैं ना कि हड्डी टूट गई, ठीक है, बोन जो है वो ब्रेक हो गई, तो ये जो फ्रैक्चर है इसी का एक मेडिकल टर्म है। ठीक है, मेडिकल लैंग्वेज में हम इसको फ्रैक्चर कहते हैं, ब्रोकन बोन को। दे अगर वेन द फिजिकल फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बेस ऑन द बोन इज स्ट्रॉन्गर देन द बोन इट्सेल्फ। देखें, ये तब होता है, बोन फ्रैक्चर या ब्रेक उस वक्त होती है जब उस पर ज्यादा फोर्स लग जाए। ठीक है, बहुत ज्यादा फिजिकल फोर्स उस पर एग्जर्टेड हो जाए जो बोन बर्दाश्त ना कर सके, तो वो बोन जो है वो फ्रैक्चर हो जाती है, वो टूट जाती है। फाइन, सो बोन्स ब्रेक व्हेन दे कैन नॉट विदस्टैंड अ फोर्स और ट्रॉमा अप्लाइड टू देम। तो बोन उस वक्त टूट जाती है जब वो ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो ब्रेक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। व्हाट आर द कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स? सिंपल फ्रैक्चर होता है एक बेटा, और एक होता है कंपाउंड फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर्स आर दोज इन विच द स्किन इज इंटैक्ट। बेटा, सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें स्किन डैमेज्ड ना हो, स्किन जो है कहीं से भी डैमेज ना हो, सिर्फ बोन फ्रैक्चर हो, सिर्फ बोन ही ब्रेक हो, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कहते हैं सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर। इफ द बोन एंड्स पेनिट्रेट द स्किन एंड फॉर्म अ वाउंड आर कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। बेटा देखें, अगर जो बोन का एंड, अगर बोन टूटी, हड्डी टूटी और उसकी वजह से स्किन भी डैमेज हो गई, स्किन में भी वाउंड हो गया, ठीक है, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर। फाइन, देखिए इसमें ये डिफरेंट तरह के फ्रैक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। अगर इस तरह से बोन सीधी सीधी से टूट जाए, ब्रेक हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कहते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, ये देखें, ये स्पाइरल शेप में थोड़ा सा हुआ हुआ है फ्रैक्चर, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कहते हैं स्पाइरल फ्रैक्चर। अगर इस तरह से थोड़ा सा टेंट हो, थोड़ा सा ये टिल्ट हुआ है, यहाँ से देखें थोड़ा सा टेढ़ा होके कटा हुआ है, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये बिल्कुल बोन यहाँ से क्रश हो गई है, छोटे छोटे पीसीज में ये टूट गई है, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? कम्युनिटेड फ्रैक्चर। ठीक है, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। और बेटा, अगर एक ही बोन बहुत सारे पार्ट्स में टूट गई है, तो इसको हम कहते हैं सेगमेंटल फ्रैक्चर। ठीक है बेटा, तो ये सारे क्या हैं? कॉमन टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स हैं। व्हेन अ फ्रैक्चर डैमेज द एडजेसेंट ऑर्गन इट इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। देखिए बेटा, अगर बोन फ्रैक्चर हुई है, बोन ब्रेक हुई है और उसकी वजह से उसके आसपास वाला ऑर्गन भी डैमेज हुआ है, वो भी अफेक्टेड हुआ है, तो इस तरह के फ्रैक्चर को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कहते हैं। सिंपल फ्रैक्चर या क्लोज्ड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें स्किन डैमेज नहीं हुई। कंपाउंड फ्रैक्चर या ओपन फ्रैक्चर वो होता है जिसमें स्किन भी डैमेज हुई है, स्किन में भी वाउंड हो गया है। और कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर वो होता है जिसमें ऑर्गन भी अफेक्टेड हुए हैं, जो आसपास ऑर्गन है वो भी अफेक्टेड हुए हैं, तो ये वाला फ्रैक्चर कहलाएगा कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। अब आते हैं बेटा बोन रिपेयर की तरफ। जब फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन किस तरह से रिपेयर होती है? बोन इज अ लिविंग टिश्यू दैट अंडरगोज रिपेयर फॉलोइंग फ्रैक्चर। बेटा देखें, बोन जो है ये एक लिविंग टिश्यू है, तो ये जो फ्रैक्चर है ये रिपेयर हो जाता है, ये हील अप हो जाता है।
The repair process of a simple fracture takes place in four major steps. बेटा जो सिंपल फ्रैक्चर होता है वो उसमें जो बोन हीलिंग प्रोसेस है उसके चार मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला वाला स्टेप जो होता है वो कहलाता है हिमाटोमा फॉर्मेशन। हिमाटोमा फॉर्मेशन में देखें ब्लड क्लॉट बन जाता है यहाँ पे आके, ठीक है। सेकेंड स्टेप कहलाता है फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन, यहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो जाती है। थर्ड कहलाता है बोनी कैलस फॉर्मेशन, थर्ड में यहाँ पर बोन सेल्स आ जाते हैं, ठीक है। बोन सेल्स जो होते हैं इस एरिया में आ जाते हैं, वो क्या करते हैं बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं, सॉफ्ट बोन बनना शुरू हो जाती है। फोर्थ स्टेप होता है बोन रीमोल्डिंग, फाइनली कंप्लीट बोन बिल्कुल बन जाती है, रीमोल्ड हो जाती है जैसे ओरिजिनल बोन होती है बिल्कुल उस तरीके से, ठीक है। सो दीज आर दी फोर स्टेप्स ऑफ बोन फॉर्मेशन। इन चारों स्टेप्स को बेटा हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर वन इज द हिमाटोमा और क्लॉट फॉर्मेशन। व्हेन अ बोन ब्रेक्स ब्लड वेसल्स इन द बोन एंड परहैप्स इन सराउंडिंग टिश्यूज आर टॉर्न एंड हेमरेज। बेटा देखें जब भी कोई बोन ब्रेक होती है, फ्रैक्चर होता है, तो वहां पर उस एरिया में मौजूद जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो बोन के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और जो सराउंडिंग टिश्यूज में ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, वो भी टॉर्न आउट हो जाती हैं और हेमरेज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। एज अ रिजल्ट अ हेमाटोमा अ मैस ऑफ क्लॉटेड ब्लड फॉर्म एट द फ्रैक्चर साइट। अब बेटा क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता फिर वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड के क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। जहां से बोन ब्रेक हुई होती है, जहां पर फ्रैक्चर होता है, वहां पर जो ब्लड वेसल्स हैं वो रप्चर हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स रप्चर होती हैं तो बहुत सारे ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं एंड दीज क्लॉट ऑफ ब्लड आर नोन एज हेमाटोमा, ठीक है। सून बोन सेल डिप्राइव्ड ऑफ न्यूट्रिशन डाई। बेटा देखें आहिस्ता आहिस्ता जो बोन सेल्स जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही होती वो क्या होते हैं, वो मर जाते हैं, ठीक है, डेड हो जाते हैं। एंड द टिश्यू एट द साइड बिकम स्वॉलन, और वहां पर मौजूद जो टिश्यू होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, वो सूज जाते हैं, ठीक है। पेनफुल एंड इनफ्लेम्ड, और फिर बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जहां से बोन फ्रैक्चर होती है वहां से फौरन से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ब्लड जो होता है उसके क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट्स अंदर ही बनना शुरू हो जाते हैं अगर सिंपल फ्रैक्चर है तो, ठीक है। अगर स्किन जो है वो बाहर से नहीं हुई, डैमेज नहीं हुई, तो वो सिंपल फ्रैक्चर कहलाता है, तो वो ब्लड के क्लॉट्स आपको नजर नहीं आएंगे लेकिन वो स्किन के अंदर ही क्लॉट्स बन रहे होते हैं, ठीक है। और जो स्किन स्वॉलन हो रही होती है, जो सूज रही होती है, वो नजर आती है और बहुत ज्यादा दर्द भी होता है और इन्फ्लेमेशन भी होती है। नाउ कम टूवर्ड द सेकेंड स्टेप ऑफ बोन रिपेयर। सेकेंड स्टेप क्या है बेटा, फिब्रोकार्टिलेजिनस कैलस फॉर्मेशन। कैलस फॉर्मेशन होती है बेटा। विद इन अ फ्यू डेज सेवरल इवेंट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रोकार्टिलेजिनस और सॉफ्ट कैलस। बेटा कुछ दिनों के बाद क्या होता है, सॉफ्ट सा एक कैलस बन जाता है, फिब्रोकार्टिलेजिनस एक मैस बन जाता है वहां पे, ठीक है। कैपिलरीज ग्रो इनटू द हेमाटोमा एंड फैगोसाइटिक सेल्स इन्वेड द एरिया एंड बिगेन क्लीनिंग अप द डेब्रिस। बेटा कैपिलरीज आहिस्ता आहिस्ता हेमाटोमा में ग्रो करने लगती हैं और फिर फैगोसाइटिक सेल इस एरिया में आते हैं जहां पर फ्रैक्चर हुआ होता है। फैगोसाइटिक सेल क्या करते हैं बेटा, इस एरिया में जो डेब्रिस होता है, जो ब्लड के क्लॉट्स होते हैं, उन सबको वो क्लीन कर देते हैं, ठीक है। फैगोसाइटिक सेल सारे जो डेब्रिस है उसको क्लीन कर देते हैं। अ फ्रैक्चर रप्चर्स द पेरियोस्टियम एंड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द न्यूमरस ऑस्टियोब्लास्ट। बेटा जब रप्चर, जब भी फ्रैक्चर होता है तो पेरियोस्टियम रप्चर हो जाती है, ठीक है। जब पेरियोस्टियम रप्चर होती है तो इसकी वजह से बहुत सारे ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो रिलीज होते हैं, ठीक है। दीज ऑस्टियोब्लास्ट इन कंजक्शन विद कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल सिक्रीट अ पोरस मैस ऑफ बोन एंड कार्टिलेज कॉल्ड कैलस। बेटा देखें फिर जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं वो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल के साथ मिलके पोरस मैस एक रिलीज करते हैं और कार्टिलेज को रिलीज करते हैं जो क्या कहलाता है, कैलस कहलाता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट कैसे रिलीज हुए, और जब जब फ्रैक्चर हुआ, बोन फ्रैक्चर हुई तो पेरियोस्टियम रप्चर हो गई, ठीक है। पेरियोस्टियम रप्चर होने की वजह से ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हैं ये रिलीज होंगे, यहाँ से स्टिमुलेट हो जाएंगे, इनकी प्रोडक्शन होगी ज्यादा से ज्यादा ऑस्टियोब्लास्ट की। फिर ऑस्टियोब्लास्ट और कार्टिलेज फॉर्मिंग जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, एक मैस बना देंगे, एक पोरस मैस बना देंगे बोन और कार्टिलेज का, ठीक है।
ये जो बोन और कार्टिलेज का एक पोरस सा मैस बनाएंगे इसको कहते हैं कैलस, और कार्टिलेजिनस कैलस भी कहते हैं, ठीक है। जहां पर मतलब फ्रैक्चर हुआ है वहां पर ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। द कैलस रिप्लेस द ओरिजिनल ब्लड क्लॉट एंड होल्ड द एंड्स ऑफ द बोन टुगेदर। बेटा देखे, जो कैलस है, ये जो बोनी एक वो मैस प्रोड्यूस हुआ, सॉफ्ट बोन का जो मैस एक प्रोड्यूस हुआ जो कैलस कहला रहा है, इसमें कार्टिलेज और बोन का मैस है। बेटा ये जो कैलस है, ये जो ब्लड के क्लॉट्स होंगे ना उनको रिप्लेस कर देगा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जो बोन फ्रैक्चर हुई है, जो रप्चर हुई है, उनके एंड्स को आपस में से दरमियान से जोड़ना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इनके जो एंड होंगे, जो रप्चर बोन के एंड होंगे दोनों, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अटैच होना शुरू हो जाएंगे। दिस प्रोसेस टेक्स 3 to 4 वीक, और बेटा ये प्रोसेस जो होता है इसको तकरीबन 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। नाउ हियर इज द थर्ड स्टेप, बोनी कैलस फॉर्मेशन और कैलस ऑसिफिकेशन। विद इन अ वीक आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट कैलस, इट इज ग्रेजुअली कन्वर्टेड इन टू अ हार्ड बोनी कैलस ऑफ स्पंजी बोन। बेटा देखें, 3 से 4 हफ्ते लगे थे सेकेंड स्टेप में। अब इसके बाद क्या होता है, जब ये बोनी कैलस बन जाता है, एक सॉफ्ट सा कैलस बन जाता है, तो इसके बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही ये होता है कि ये जो सॉफ्ट कैलस होता है ये हार्ड बोनी कैलस से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। मतलब आहिस्ता आहिस्ता हार्ड बोन बनना स्टार्ट हो जाती है। बोनी कैलस फॉर्मेशन कंटिन्यूज अंटिल अ फर्म यूनियन इज फॉर्म्ड अबाउट 2 मंथ्स लेटर। और बेटा ये जो बोनी कैलस होता है इसकी फॉर्मेशन कंटिन्यू रहती है तकरीबन 2 माह तक कंटिन्यू रहती है, जब तक बिल्कुल फॉर्म सी एक यूनियन ना बन जाए, बिल्कुल हार्ड बोन जैसे ओरिजिनल बोन होती है वैसी ना बन जाए। ऑस्टियोक्लास्ट ब्रेक डाउन द कार्टिलेज वाइल ऑस्टियोब्लास्ट रिप्लेस इट विद बोन। बेटा देखें, ऑस्टियोक्लास्ट जो होते हैं ये क्या करते हैं, कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करते हैं, क्योंकि जब ये बोनी कैलस बन रहा था, ये सॉफ्ट सा कैलस मैस बन रहा था, तो उसमें कार्टिलेज भी था और बोन के सेल्स भी थे, बोन भी थी, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, कार्टिलेज को ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, जब कार्टिलेज ब्रेक डाउन हो गया तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, उसको बोन से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मतलब उस जगह पर, उस स्पेस में भी बोन आ जाती है। नाउ द फोर्थ स्टेप, द लास्ट वन इज बोन रीमोल्डिंग। इट टेक प्लेस व्हेन अ कम्पैक्ट बोन इज फॉर्म्ड इन विच द ऑस्टियोन्स फ्रॉम बोथ साइड ब्रेक एक्सटेंड अक्रॉस द फ्रैक्चर लाइन टू कनेक्ट द बोन। बेटा इसमें क्या होता है, दोनों साइड से बोन जैसे फ्रैक्चर हुई होती है ना, तो जो दोनों एंड्स होती है ना बोन की, वहां से जो ऑस्टियोन होते हैं, जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, समझ लें एक ब्रिज बना देते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर लाइन को फिल कर देते हैं ताकि दोनों बोन्स जो है वो आपस में कनेक्टेड हो जाएं। यूजुअली मोर बोन इज प्रोड्यूस्ड एट द साइट ऑफ अ हीलिंग फ्रैक्चर देन नीडेड टू रिप्लेस द डैमेज्ड टिश्यू। बेटा ऐसा होता है कि जहां से जो बोन फ्रैक्चर हुई होती है ना, वहां पर ज्यादा बोन प्रोड्यूस्ड होती है, वो जो फ्रैक्चर को हील करने के लिए ज्यादा प्रोड्यूस होती है बोन, ठीक है। मतलब इतनी जरूरत नहीं होती जितनी वो ज्यादा प्रोड्यूस्ड हो जाती है, क्योंकि डैमेज टिश्यूज भी रिप्लेस होने होते हैं, तो इसलिए ज्यादा बोन की प्रोडक्शन होती है। हाउएवर ऑस्टियोक्लास्ट इवेंचुअली रिमूव द एक्सिस एंड द फाइनल रिजल्ट ऑफ द रिपेयर बोन शेप्ड वेरी मच लाइक द ओरिजिनल। बेटा देखें, फिर क्या होता है, जो ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं वो इस एक्सिस जो बोन होती है, जो ज्यादा बोन होती है, उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, और फाइनली जो बोन रिजल्ट में आती है वो एग्जैक्टली ओरिजिनल बोन की ही शेप की होती है, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं, जो एक्सेसिव बोन प्रोड्यूस हो जाती है ना बहुत ज्यादा, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ज्यादा बोन प्रोड्यूस होती है, तो जो ये जो एक्स्ट्रा बोन प्रोड्यूस हो जाती है इसको रिमूव कर देती है, ऑस्टियोक्लास्ट जो है ये रिमूव कर देते हैं, ठीक है, और बिल्कुल वो ओरिजिनल बोन की तरह ही बन जाती है। द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ द रीमोल्डेड एरिया रिजेंबल्स दैट ऑफ द ओरिजिनल अनब्रोकन बोनी रीजन बिकॉज इट रिस्पॉन्ड टू द सेम सेट ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रेसर। और बेटा जो फाइनल स्ट्रक्चर बनती है ना, जो बोन की बनती है, वो एग्जैक्टली रिजेंबल करती है ओरिजिनल बोन से, ठीक है, क्योंकि उसने दोबारा से वही मैकेनिकल स्ट्रेसर जो है उसमें रहना होता है, वैसे ही फंक्शन करना होता है। हेयर इज द डायग्राम, देखे फिगर है, ए में क्या है, सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स जो है, देखिए आपको नजर आ रही है फौरन से, ये ब्लड वेसल्स इन जगहों पर क्या होंगी, ब्लड को रिलीज करेंगी। देखे यहाँ पे ब्लड आ गया, बहुत ज्यादा ब्लड जमा हो गया, ये क्या है, ब्लड के क्लॉट बनना शुरू हो जाएंगे, हेमेटोमा।
उसके बाद बेटा आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, यहाँ पर कैलस बनना स्टार्ट होगा, फैगोसाइटिक सेल आएंगे जो इस डेब्रिस को क्लीन करना शुरू कर देंगे, उसके बाद बोनी कैलस बनना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट बोनी कैलस बनना शुरू हो जाएगा, सॉफ्ट के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता हार्ड कैलस से रिमूव होना शुरू हो जाएगा, और हार्ड के बाद ये जो बिल्कुल इसमें एरिया जो रह गया ना, मतलब बोन का, ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा और ज्यादा बोन की प्रोडक्शन होगी ताकि ये कम्प्लीटली फिल हो जाए और बिल्कुल ओरिजिनल बोन की तरह नजर आए। और फिर जो ब्लड वेसल्स हैं बेटा वो भी दोबारा से अटैच हो जाएंगी एक दूसरे से, दोबारा से ये मतलब पूरी बोन जब अटैच होगी तो ये ब्लड वेसल्स भी पूरी बोन में ही दोबारा से ब्लड फ्लो करेंगी, ठीक है। और जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो क्या करेंगे, जो एक्सेसिव यहाँ पर बोन प्रोड्यूस हुई थी उसको रिमूव कर देंगे। इस तरीके से जो बोन है वो कम्प्लीटली दोबारा से रिपेयर हो जाती है। फाइन, नाउ बेटा हेयर इज अ वीडियो क्लिप, इसको देखें आप और अपने कॉन्सेप्ट जो है उसको और भी क्लियर करें। हेयर इट इज,
सो बेटा आई होप यू हैव गॉट द लेक्चर मोर क्लियरली. ये जो टॉपिक है आपको ज़्यादा अब क्लियर हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद. बट इफ यू आर फीलिंग स्टिल एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. टेक अ गुड केयर ऑफ यूर सेल्फ एंड यूर फैमिली एज वेल. रिमेंबर मी इन यूर प्रेयर्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.